हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपके लिए काफी बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। इस टाइम में अलग अलग एप्लीकेशन हम लोगों को यूज करना पड़ता है एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर। गूगल प्ले स्टोर में भी क्या सुरक्षित है एंड्रॉयड ऐप? हाल ही में एक रिपोर्ट आया था एक महिला का, जो एंड्रॉयड एक क्रिप्टो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था, जिसके वजह से उनका बहुत ही बड़ा साइबर फ्रॉड उनके साथ हुआ है। फ्रेंड्स, आज के रेट में जो फैसला गूगल ने लिया है सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बंद, क्या रोका जा सकता है एंड्रॉयड ऐप स्कैम? तो फ्रेंड्स, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड ऐप इस्तेमाल करते हैं, गूगल प्ले स्टोर छोड़ के भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एंड्रॉयड फ्रॉड जिस तरह से बढ़ रहा था, और आज के रेट में गूगल का जो फैसला है एंड्रॉयड फ्रॉड को रोका जा सकता है, तो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को, जिस तरह का टेक वीडियो क्रिएटर वाइज वीडियो साथ साथ क्रिप्टो वाइज वीडियो में लगातार लाते रहता हूं इस चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ एंड्रॉयड फ्रॉड हो उस टाइम में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड्रॉयड फ्रॉड नहीं है, कोई भी साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ होता है तो उस टाइम में आप क्या करिएगा सबसे पहले, उसके बारे में भी जानकारी देने वाले हूँ आज इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज के रेट में हम लोग 5G के जमाने में हैं, कुछ ही सेकंड के अंदर आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, बट वही एप्लीकेशन आपका जितना भी निजी जानकारी है, पर्सनल डेटा है, वो सारा डेटा को इकट्ठा करके स्कैमर को भेज सकता है आपका मोबाइल से ही। फ्रेंड्स, आपका घर का बच्चा लोग कितना एप्लीकेशन आपका फ़ोन के अंदर डाउनलोड किए हैं, कभी आप फॉलो किए हैं, कुछ उसी एप्लीकेशन के वजह से भी आपके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। और इस बार गूगल ने जो ऐलान किया है, जो अनाउंसमेंट यहाँ पे आया है, काफी सिक्योर कर सकता है एंड्रॉयड यूजर को। किस तरह से सिक्योर कर सकता है और कैसे एंड्रॉयड और साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, साथ ही साथ साइबर फ्रॉड होने से क्या करना चाहिए सबसे पहले, और काफी गुड न्यूज है एंड्रॉयड ऐप यूजर के लिए। जो लोग अलग अलग ऐप यूज करता है उन लोगों के लिए काफी बड़ा राहत है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गूगल प्ले स्टोर से भी कुछ ऐसा एप्लीकेशन निकला है जिसके वजह से लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। और इस बार जो डिसीजन गूगल ने लिया है, गूगल प्ले स्टोर ने लिया है, इस टाइम में सभी एंड्रॉयड यूजर को सुरक्षित किया जा सकता है, कुछ उसी के चलते इतना बड़ा फैसला। फ्रेंड्स, आज के डेट में हम लोग एंड्रॉयड फोन के अंदर अलग अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमको कीबोर्ड चाहिए लेटेस्ट कोई एडवांस फीचर्स वाला, तो उसके लिए भी हम लोग एडवांस कीबोर्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। रिंगटोन चाहिए उसके लिए भी आज के डेट में एप्लीकेशन अवेलेबल है। नया नया वॉलपेपर चाहिए, मीन्स आपका फोन के अंदर आप एक बार झांक के देखिए कि आपका घर का बच्चा कितना सारा एप्लीकेशन आपका फोन के अंदर इंस्टॉल कर चुका है। और कुछ ही इसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के वजह से हर रोज काफ़ी लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है। फ्रेंड्स, इसी एप्लीकेशन के चलते आज से कुछ साल पहले मैं एक वीडियो बनाया था जहाँ पे एक बच्चा का गलती के वजह से बैंक से पूरा पैसा ही उड़ाया। एक स्टोरी बता के उस वीडियो के अंदर दिया हूं, अगर आप नहीं देखे वो वीडियो तो जाके आप आई बटन में आके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बार जो गूगल ने जो फैसला लिया है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बंद करेगा, फ्रेंड्स आखिर ये किस तरह से हुआ? फ्रेंड्स, एक महिला के ही साथ ही साथ और भी बड़ा बड़ा कंपनी का भी गूगल की तरफ एक ही आरोप था कि बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसा प्ले स्टोर के अंदर है जिसके वजह से लोगों के साथ स्कैम भी हो चुका है। कुछ इस चीज को बंद तो गूगल कर सकता है, कुछ इसी के लिए आवाज उठाया था। और आज के डेट में गूगल ने कुछ ऐसा फैसला ले लिया है जहां पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के अंदर नहीं मिलेगा, और हम सभी एंड्रॉयड यूजर सुरक्षित भी रह पाएंगे। इफेक्ट भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग गूगल प्ले स्टोर छोड़ के भी बहुत सारा ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर से हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। गूगल ने जो फैसला लिया है, इस फैसला के वजह से ये सारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का कहानी खत्म होने वाला है। फ्रेंड्स, इसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा मैलवेयर रहता है जिस मैलवेयर के वजह से आपका डिवाइस से डेटा चुराता है, आपका कोई भी पर्सनल डेटा, आपका फोटो, वीडियो, आपका व्हाट्सएप चैट या आपका टेक्स्ट मैसेज या आपका कॉल हिस्ट्री, वो सारा डेटा ही स्कैमर अपना कंट्रोल में ले सकता है एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपका फोन के अंदर इंस्टॉल करके। तो इस टाइम में क्या आप सुरक्षित करना नहीं चाहिएगा आपका एंड्रॉयड डिवाइस को? क्या सुरक्षित किए हैं आपका एंड्रॉयड डिवाइस को? कोई भी साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ होता
आए तो उस टाइम में आप क्या करिएगा सबसे पहले। तो फिर सबसे पहले बताना चाहूंगा, अगर कोई भी साइबर फ्रॉड हो आपके साथ, सबसे पहले आपके पास इंटरनेट है, आपके पास स्मार्ट डिवाइस है, आप सर्च करिए गूगल में cybercrime.gov.in, ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे जाने से आपको एक नंबर मिलता है 1930। इस नंबर में आप टोल फ्री कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। कोई भी साइबर क्राइम अगर आपके साथ हो तो तुरंत आप कॉल करके अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वेबसाइट से आपको और भी जानकारी मिलता है कि किस तरह से आप सावधान रह सकते हैं इस डिजिटल टाइम में साइबर धोखाधड़ी से। तो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट में अगर आप कभी विजिट नहीं किए हैं तो आज ही विजिट करके देखिए। ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि साइबर फ्रॉड सहना नहीं चाहिए और साइबर फ्रॉड के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आपका कंप्लेंट बहुत ही ज़रूरी है और कंप्लेंट भी आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है 1930। अगर आप खुद को साइबर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए इस वेबसाइट का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, साइबर स्वच्छता केंद्र, फ्रेंड्स ये मैलवेयर एनालिसिस सेंटर है। अगर आप इस वेबसाइट के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो आप मैलवेयर से सुरक्षित रह सकते हैं और आपका डिजिटल डेटा को आप मैलवेयर से बचा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट के जरिए यहाँ पे कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, जिस टूल्स के मदद से आप अपना डिजिटल डिवाइस को आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस थ्री लाइन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटी टूल्स जो ऑप्शन है इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारा टूल्स आपको नज़र आएगा, जिस टूल के मदद से आप अपना स्मार्ट डिवाइस को, डिजिटल डिवाइस को सुरक्षित कर सकते हैं, चाहे एंड्रॉयड हो या आपका पीसी, आप सभी डिवाइस को सुरक्षित कर सकते हैं यहाँ से कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके। फ्रेंड्स, आज के डेट में बहुत ही डेंजरस है मैलवेयर। मैलवेयर से बचने के लिए आपको अपना पीसी के अंदर एंटी मैलवेयर बॉट रिमूवल टूल को भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी भी जब आप ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे हैं इंटरनेट, उस टाइम में सर्फिंग के दौरान अगर आप किसी भी अनसिक्योर वेबसाइट में जाते हैं जहां पे आपका डेटा चुराने का अगर कोशिश करता है, तो उस टाइम में आपको बचा सकता है बूट रिमूवल टूल। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ आवाज़ उठाइए। कोई भी साइबर फ्रॉड रिलेटेड कोई भी अगर आपको कंप्लेन करना है नंबर में कॉल करके, साथ ही साथ आप वेबसाइट के दौरान भी आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन सेफ्टी के लिए उसका प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, गूगल का इस बार का जो ऐलान है कुछ इसी तरह का इशारा कर रहा है, जहां पे सभी एंड्रॉयड यूजर को सुरक्षित रख सकता है। गूगल प्ले स्टोर से जितना भी थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है, वो सारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर बंद करने वाले हैं। प्ले स्टोर के अंदर ये एप्लीकेशन आप सुरक्षित इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसा लगा इस गूगल का ये नया फैसला, इसके बारे में कॉमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो फिर आज का वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। मिलते हैं किसी नया टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम आर ट्रेडिंग वीडियो। हर रोज कुछ नया है, आई एम आर ट्रेडिंग, जहां हमेशा नई बातों का सिलसिला चलता है। इंटरनेट सेफ्टी शेयर बचा की ऊंचाई हमारे पास सब है, कैसे कमाए कैसे के हम सब बता रहे हैं। ऑनलाइन करो सब्सक्राइब।